नमस्कार, आप देख रही हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। नगरउंटारी थाना में किया गया प्रेस वार्ता। सुजंती देवी के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 4,80,099 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। पुलिस ने पैसा वापसी कराने में सफलता हासिल की। नगरउंटारी थाना ने विधवा सुजंती देवी के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा 4,80,099 रुपए की वापसी कराने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। नगरउंटारी थाने में प्रेस को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सुजंती देवी ने 6 फरवरी 2022 को नगरउंटारी थाने में आवेदन देकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने खाते से 4,80,099 रुपए की अवैध निकासी का मामला दर्ज करवाया था। इसके आलोक में नगरउंटारी थाना ने कार्यवाही करते हुए बैंकों एवं अन्य सीएसपी संचालकों पर दबिश बनाकर सुजंती देवी के खाते में दिनांक 14 मार्च को 4,80,099 रुपए की वापसी करवाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि सुजंती देवी के पति के पिछले दिनों मौत हो जाने के पश्चात उसे क्लेम की राशि प्राप्त हुई थी जो उसके खाते में थी। पिछले दिनों 9 अक्टूबर 2021 को उसके खाते से एक ही दिन में 50 बार ट्रांजेक्शन कर 4,80,099 राशि निकाल ली गई। सुजंती देवी ने बताया कि राशि निकालने के पश्चात वह उत्तर प्रदेश के कोन थाने में इसकी शिकायत की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं देखते हुए नगरउंटारी थाने में भी मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के पश्चात नगरउंटारी थाना में त्वरित कार्यवाही करते हुए उसकी राशि वापस कराई। थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में संलिप्त सभी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में संलिप्त सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उक्त अवसर पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, पूर्णी सुनील कुमार दास उपस्थित थे। सुजंती देवी के महेश विश्वकर्मा के विरुद्ध 4,90,000 रुपये की अवैध निकासी के संबंध में दर्ज किया गया। बादमी का आरोप है कि सीएसपी संचालक महेश विश्वकर्मा द्वारा दिनांक 9/10/21 को उनके खाता से 4,90,000 रुपये की निकासी कर ली थी। आदमी उसके सीएसपी संचालक उमेश विश्वकर्मा के सेंटर में जाकर 5-6 बार मौके का निशान लगाई थी, जिससे उन्हें यह संदेह हुआ कि उमेश विश्वकर्मा द्वारा ही पैसे की निकासी की है। बाथरूमी का पैसा इनके पति के मृत्यु उपरांत जो है मुआवजा राशि के रूप में 5,00,000 रुपये की प्राप्ति हुई थी, और जब इन्हें पता चला तो ये बैंक के अकाउंट अपडेट कराए तो पता चला कि उनके खाता में पैसा नहीं। इस संबंध में नगरउंटारी थाना क्रांत संख्या 14/22 धारा 420 मामले के अभियुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के विशेष निर्देशानुसार बादली का अवैध निकासी की गई राशि 4,90,000 रुपये गहराई से अनुसंधान कर मिलेनियम पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई 2022-23 ओपन फॉर एडमिशन। फैसिलिटीज एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, वेल डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, एमिनेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ग्रीन लश कैंपस एंड वेल प्लानड प्लेग्राउंड इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Hostel facilities available for boys and girls. Please contact Millennium Public School, Vishonpur Nagar, Untari. Contact number 7488729633.